आंसू गैस के गोले, लाठियां, डंडे, पत्थर, रोड पर बात की जाए तो रोड पर बिछे हुए किले। शायद सरकार भूल गई थी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आएगा, विधानसभा चुनाव भी आएगा। जहां पर किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा था, उसी चीज़ को देखते हुए तरह तरह के साधन, हथकंडे सरकार द्वारा अपनाए गए। इसी का रिजल्ट फिलहाल आए दिन देखने को मिल रहा है। चाहे वो JJP की बात कर लें, हरियाणा के अंदर भाजपा के नेताओं की बात कर लें, किसानों द्वारा गांव-गांव में रोकने का काम किया जा रहा है, सवाल पूछने का काम किया जा रहा है। इसी के साथ बात की जाए तो तमाम नेताओं से उस समय खालिस्तानी आतंकवादी शब्दों का प्रयोग हुआ था, उसके बारे में सवाल जवाब किए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका साथ इस्तेंद्र सिसार फिलहाल इशारता जुट गया और आप देख पा रहे होंगे आसपास में बहुत सारे किसान इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा होने का कारण है भाई बहुत सारी मांगे जो किसानों की नहीं मांगी गई और किसान आंदोलन के तहत जितने मुकदमे लगाए गए थे उन मुकदमा भी वापस नहीं लिए गए, बहुत सारे किसान गिरफ्तार भी करे गए हैं। बाकी इसके अलावा क्या कुछ मांग है बातचीत करा जाएंगे। लिया भाई, नमस्कार भाई साहब। राम राम भाई। भाई साहब बात कर जाओ, फिलहाल यहाँ इकट्ठा हुए क्या कुछ कारण? आज इकट्ठा हमारे जो नौजवान साथी, सरकार ने तानाशाही रवैये से जो 13 तारीख से जो हमारा आंदोलन चल रहा है और हमारे 3 साथी गिरफ्तार कर लिए, नवदीप जलबेड़ा ने इस खटखड़ और गुरकीरत, हम उनकी रिहाई के लिए आज ये प्रदर्शन किया, पूरे देश में ये प्रदर्शन हुआ और 9 तारीख को शंभू बॉर्डर पर रेल रोकी जाओगी, जो है निश्चित काल तक जितना हमारे साथी रिहानी हो गए तब तक शंभू बॉर्डर पर रेल बिल्कुल जाम रहेगा, रेलवे ट्रैक। और हम आपके चैनल के माध्यम से एक और बात कहना चाहते हैं, जब तक हमारे साथियों की रिहाई नहीं होती और हमारे जितने भी किसानों की मांग वो पूरी नहीं करती, हम JJP और BJP का विरोध करेंगे गांव में आने पर। तो कारण क्या, गिरफ्तार क्यों करेंगे, कोई कारण तो होगा? सरकार की झूठी तानाशाही, 307 के पर्चे दर्ज कर रखे है, उनने किसके चोट मार दी, खुद किसानों का चोट लग रही, पर्चे दर्ज तो सरकार के खिलाफ, इस मुख्यमंत्री के खिलाफ होने चाहिए, जो किसानों ने देशद्रोही कहने लग रहा इस मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और यह बिल्कुल किसानों के ऊपर झूठी FIR है और हम यही करना चाहते हैं, पूरे देश में पूरा देश का किसान एक है, सारे भाई हम इकट्ठे होकर उन भाइयों की रिहाई के लिए मांग करते रहेंगे। पर एक नारा लग रहा था भाई, साइलो नहीं चलेगी, स्थाई मंडी चाहिए, ये क्या का कुछ कहानी है? ये साइलो को मंडी बनाना चाहते हैं और जो हमारी ये मंडियां हैं इनको बंद करना चाहते हैं। ये सरकार कारपोरेट घरानों को बिक चुकी है, मोदी ने जितने भी हैं कारपोरेट घराने हैं इनको उभारने के लिए मंडियां और किसान को मारने के लिए बंद कर रहा है। जी धन्यवाद। बात की जाए तो भाई साहब बात करा तो लगातार जो JJP BJP है उसके नेताओं का विरोध होने लग रहा है, क्या कुछ आप लोगों ने अभी निर्णय किया है? हमारा निर्णय ये है, JJP BJP नहीं है, बहिष्कार सारी पार्टियों का है, हम बहिष्कार नहीं करते, उनसे जवाब मांग रहे हैं बीजेपी सरकार से, JJP BJP से, तो हम ये मांग रहे हैं आपको क्या किया, ये हमारी 12 मांग है। और कांग्रेस वाला का इना लोड़ा भी होगा नहीं, उन पर पूछा है आने वाला टाइम आप क्या करोगे, एक BJP JJP का नहीं है, सभी का करते, किसान के लिए कोई भी पार्टी अच्छी नहीं है। हाँ पर एक बात लगी भाई, साइलो के बारे में बात कर रहे हो आप, क्या चीज़ है साइलो? साइलो हिंदी देसी भाषा में प्राइवेट, ये साइलो प्राइवेट बनाना चाह रहे हैं, जो बड़े बड़े मैन हुए हैं तो प्राइवेट तो मेरा होने के बाद फिर दिक्कत आओगी, हमारी ये सरकारी मंडी रहनी चाहिए, अगर प्राइवेट मंडी साइलो बनाओगे हम मंडने नहीं देंगे। तो फिलहाल आपकी बातचीत करा दी। हाँ जी, हमें किसी प्राइवेट मतलब या किसी उससे जो वो नहीं है, हमें सरकारी चीज़ चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सरकारी जो मंडियाँ रहेंगी या सरकारी होगा वो सही है हमें, और बाकी हम किसी को भी पसंद नहीं करते, प्राइवेटाइजेशन हमें चाहिए ही नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल सरकारी चीज़ चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी हो, हर चीज़ सरकारी हो वही चाहिए हमें, सरकारी स्कूल हो, सरकारी मंडियाँ हो, प्राइवेटाइजेशन हमें नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और इसी से हमारा फायदा है। सरदार जी बात करी जाओ तो एक बात लगातार देखने लग रही है, दूसरे चौड़ोला लगातार विरोध हो रहा है, किसान जगह जगह पर रोक रहे हैं, सवाल पूछने लग रहे हैं, वो सवाल कौन से है जो किसी ने उप मुख्यमंत्री से आप पूछने लग रहे हो? ऐसा है जी, अपने एक पुरानी कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसे बीज इनने बोए हैं उसी ये फसल ही इन्हें काटने मिलेगी, 5 साल की इनकी फसल है, जो इनने जिस तरीके से अपनी फसल की जो है संभाल करी है वैसी ही फसल इनने काटने मिलेगी,
तो हमारा जो बड़े बड़े वादे करके घोषणा पत्र में, चाहे 2014 का घोषणा पत्र था बीजेपी का, चाहे 2019 का बीजेपी का, या जेजेपी का, इन पार्टियों का घोषणा पत्र था, उन घोषणा पत्र के जो वादे ने भूल के और इन्हें अपना एजेंडा जो छुपा हुआ एजेंडा था वो लागू करना शुरू कर दिया। किसान को, मजदूर को, कर्मचारी को, महिला को, नौजवान को, जो भी तमाम जो वर्ग हैं इस देश के, उनकी किसी मांग पर गौर नहीं कराया। समाज के किसी भी तबके का इन्होंने जो सहयोग नहीं कराया, समर्थन नहीं कराया। उनकी आजीविका चलाने के साधन छीन लिए। जो लंबे लंबे आंदोलन के बाद इन्होंने लिखित में वादे करके हमारे साथ और हमें वापस घर भेजा था 2021 में, आंदोलन जब समाप्त हुआ था 11 दिसंबर 2021 को स्थगित कराया था, बल्कि समाप्त हुआ मैं गलत कह गया, स्थगित कराया था कि जल्दी आपकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी। वो मांगे इन्होंने पूरी नहीं करी, दोबारा से फिर से हमें आंदोलन में बैठना पड़ा, तो फिर अत्याचार कर रहे हैं, फिर हमारी मांग नहीं मान रहे। तो हम जवाब लेने का हमें हक है। जब ये इन्होंने झूठे वादे किए थे, गांव में आएंगे हमारे पास, यही मौका है 5 साल में, और तो 5 साल तो इन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, हमारे से संघर्ष करवाया, आंदोलन करवाया, लेकिन अब यही मौका है, हम इनको सवाल जवाब करे बिना इनको गांवों में नहीं घुसने देंगे। ये हमारा हक है और हम इनसे सवाल जवाब करके रहेंगे। और जिस तरीके से पीछे इन्होंने बेवकूफ़ बना करके वोट ले लिए थे बरगड़ा करके, उस तरीके से इनको ऐसा खुला नहीं घूमने देंगे। जी धन्यवाद भाई। किसानों सीधे तौर पर कह दिया है दिल्ली नहीं आने दिए तो गांव में बढ़ने से पहला हमारे जो सवाल है उनका जवाब देना पड़ेगा। बाकी भाई आपने पूरी बात सुन लिया, आपने क्या कुछ लगा कमेंट करके बता दियो और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो।